तो हेलो दोस्तों, आज हमारे गैराज में आई हुए मैजिस्टो स्कूटी, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों, जैसे ही अपनी स्कूटी में हम किक मार रहे थे, जो किक है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल जाम हो गया है। और इसका जो दोस्तों सेल्फ है उसको चेक कर लेते हैं। पहले इग्निशन ऑन करने के बाद अपनी स्कूटी में हम सेल्फ लेते हैं, तो दोस्तों जो सेल्फ है वो भी बिल्कुल नहीं चल रहा है। और जो इसका पिछला अलाव व्हील होता है उसको घुमा करके हम चेक कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इसके क्लच में प्रॉब्लम है या फिर इसका जो है इंजन वो सीज हो गया, तो इसको पहले खोल लेते हैं। तो दोस्तों क्लच कवर पूरा खोलने से पहले ये टापा होता है इसका, इसको ओपन करके देख लेंगे। अगर बेल्ट टूट गई होगी तो यहाँ से पता चल जाएगा, अगर ये फिर और कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी पता चल जाएगा। तो इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं, इसके 3-4 बोल्ट होते हैं, इसको ओपन कर लिया है हमने। तो और व्हील घुमाते हैं तो ये दोस्तों बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी बेल्ट चेक कर लेते हैं अंदर से, बेल्ट टूटी है या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसकी जो बेल्ट है, इसकी बेल्ट में प्रॉब्लम है दोस्तों, इसकी जो है बेल्ट टूट गई है। तो इसको हम सारे को खोल लेते हैं जल्दी से, उसके बाद में आपको दिखलाएंगे कौन सी बेल्ट स्कूटी के लिए बेस्ट रहती है या फिर आपको कौन सी बेल्ट डालनी है। तो पहले इसको खोल लेते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे जो बेल्ट होती है अपनी किस तरह से फिटिंग करें, जो फिटिंग होगी लंबे समय के लिए वेस्ट होगी। तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसके सारे 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, इनको खोल लेते हैं हम। तो दोस्तों इतना हम इसका कवर खोलते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम कर देना है, जो हमारा चैनल है अकबर बाइक डॉक्टर, उसको आपको सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है। न्यू वीडियो जब भी डालें सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो जो हमारा ये कवर था ये पूरा ओपन हो गया है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जो इसका कवर था वो सारा ओपन हो गया, और आप ये देख पा रहे होंगे जो इसकी बेल्ट है, इसकी हालत ये कितनी बेकार हो गई है दोस्तों, इस तरह से कुछ इसकी हालत हो गई है। तो ये हम नई बेल्ट डालेंगे इसके अंदर। तो क्या सबसे पहले जो हमारा क्लच शू कवर है, ये क्लच शू, इसको ओपन करेंगे और इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा मैग्नेट वाला पुलर होता है स्प्लेंडर में लगता है, उसको कुछ इस तरह से लगाने के बाद और अपने पानी की मदद से इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको जल्दी से हम खोल लेते हैं, इसको बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना ही स्किप करे हुए, और वीडियो लास्ट होने के बाद में आपको कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट में हमारी वीडियो की जान छुपी होती है। तो जल्दी से आपको पूरी वीडियो देखना है और कमेंट कर देना है। और तो इसको हम पूरा पहले ये जो हमारा कवर है इसको निकाल लेते हैं, और ये देख पा रहे होंगे आप पूरा निकल गया वो बेल्ट की हालत, टुकड़ों में कितने बढ़ गई है। तो इसकी साफ़ सफाई करते हैं जल्दी से, और इसमें बेल्ट डालेंगे, फिटिंग करेंगे और आपको दिखलाएंगे। तो दोस्तों हम अपनी मैजिस्टो के अंदर रोलन कंपनी की ये बेल्ट डाल रहे हैं, आप ये देख पा रहे होंगे इस पर मैजिस्टो ये लिखा आ रहा है। और इसकी जो MRP है 249 रुपये की बेल्ट है। तो पैकेट से अपनी जो बेल्ट है उसको बाहर कर लेते हैं और बाइक के अंदर फिट करते हैं। जल्दी से जो हमारी बेल्ट थी ये बाहर निकल गई, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह की बेल्ट होती है ये। और जो देख पा रहे होंगे आप ये कुछ इस तरह से, जो पुरानी बेल्ट थी दोस्तों ये टूट गई थी, कुछ इस तरह से हो गई थी। तो अपनी बेल्ट को हम अब अपनी बेल्ट को नई बेल्ट को गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बाद में देखेंगे दोस्तों जो अपनी स्कूटी है ये सेल्फ लेती है या फिर किक भी लेती है। तो दोस्तों जो ये प्रॉब्लम थी ये बेल्ट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बेल्ट टूट के यहाँ पे आगे फंस गई थी यहाँ पे, इसकी वजह से जो अपनी स्कूटी थी ना ही सेल्फ ले रही थी और ना ही किक ले रही थी। तो ये आगे से हमने बिठा ली है, और उसके बाद में इसको पीछे से भी हम बिठाएंगे। तो ये आगे से यहाँ तक हो गई है, उसके बाद में दोस्तों ये बेल्ट बिठाने के लिए जो ये कड है इसको दबाना पड़ता अपने हाथ की मदद से। तो इसको हम कुछ इस तरह से पहले बेल्ट लगा लेते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह से, और उसके बाद में इसको अपने उंगलियों की मदद से इसको जो ये वाली पट्टी है दोस्तों क्लच शू की, इसको अंदर दबाएंगे अपनी हाथ की मदद से। तो इसको कुछ इस तरह से लगा लेते हैं, और उसके बाद में जो ये इनपुट शाफ्ट है दोस्तों गियर बॉक्स की, इसके अंदर हमें इस तरह से इंस्टॉल करना है। तो ये इस तरह से इंस्टॉल हो गई है, आप ये देख पा रहे होंगे जो हमारी बेल्ट थी मैजिस्ट्रो की बाइक स्कूटी की, ये इसके अंदर हमने दोस्तों इंस्टॉल कर लिए। ये थोड़ी जब फिट करेंगे दोस्तों आप, तो ये थोड़ी ढीली होगी, जैसी अपनी बाइक स्कूटी स्टार्ट होगी चलेगी तो ऑटोमेटिकली जो है ये टाइट हो जाएगी। तो बेल्ट डालते समय दोस्तों आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है, इस पर से हल्का थोड़ा सा रेगमाल मार लेना है, और इस पर भी जो ये अपना कटोरा है इस पर भी रेगमाल मार लेना है, क्योंकि इससे जो होता है दोस्तों अपनी स्कूटी का जो पिकअप होता है पिकअप बढ़ जाता है, और अपनी स्कूटी का जो माइलेज है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो पहले इसको रेगमाल मार लेते हैं, इसको फिट करते हैं और आपको दिखलाते हैं। हल्का हल्का इस तरह से आपको बहुत ही हल्का रेगमाल मारना है, इसके तीनों सूप हैं,
उनके तीनों कलर सुबह हल्का हल्का रेगमाल मालना है और उसके बाद में इस पर भी इस पर दोस्तों थोड़ा जमा के रेगमाल माल लेना है, जो कि इसका चिकनापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसमें थोड़े खांचे बन जाएँ, इस तरह से आस बन जाए। इससे क्या होगा, जो हमारे जैसी एक्सीलेटर लेंगे हम अपनी स्कूटी की, ये कलर खुलता है कुछ यहाँ से, ये इस तरह से खुलता है दोस्तों यहाँ से, और इसके अंदर चिपक जाता है। उससे क्या होता है, गाड़ी की स्पीड और पिकअप बढ़ जाता है। तो ये हमने लगा लिया है, इसकी पहले वाशर लगाएंगे और इसका नट लगाएंगे। तो दोस्तों जो अपनी स्कूटी है मैजिस्ट्रो, इसको पूरी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास मैजिस्ट्रो थी उसकी बेल्ट हमने कंप्लीट कर दिया। तो पहले अपनी बाइक की स्कूटी का हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं और उसके बाद में किक लगा के देखते हैं। हमारी जो स्कूटी है वो उसमें किक चलता है नहीं, तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारी स्कूटी थी इसका किक अच्छे से चलने लगा। और सेल्फ लेके देखते हैं हमारी स्कूटी स्टार्ट होती है या नहीं। तो दोस्तों जो अपनी स्कूटी थी उसका सेल्फ भी चलने लगा है इस तरह से, और जो इसकी प्रॉब्लम थी दोस्तों, ना ही सेल्फ चल रहा था और ना ही इसका किक चल रहा था। तो बाइक में इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, जैसे कि सीज वगैरह सा लेकर के इसकी तो बेल्ट थी वो टूट गई थी। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना है, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।